वैक्सीनेशन बहुत ही अच्छी जर्नी रही, इट इज अ वेरी नाइस जर्नी, किसी से ना ज़्यादा फाइट होना, एक स्मार्ट जर्नी जर्नी रही, क्या कहना चाहोगे? सी जैसे मैं लॉकअप में प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं फिफ्थ वीक में गया था अंदर, यू नो जब आप पांचवे वीक में एज अ वाइल्ड कार्ड जाते हैं तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि अलायंसेस बन चुके हैं, बॉन्डिंग्स हो चुकी है, भाईचारा हो चुका है, प्यार मोहब्बत भी हो चुकी है. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट यू नो टू एंटर द शो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. लेकिन बिकॉज दिस वॉज यू नो प्लेटफॉर्म विच वॉज यू नो प्रोवाइडेड बाय बालाजी एंड द मॉल शाइन एम एक्स प्लेयर एंड यू नो एंड आइसिंग ऑन द केक कंगना रनौत, सो हाउ कुड आई से नो. जनरली मैं वाइल्ड कार्ड बन के जाना इतना प्रीफर नहीं करता, लेकिन ये प्लेटफॉर्म इतना बड़ा था कि मैं मना नहीं कर पाया. एंड माई जर्नी इन लॉकअप वॉज अमेजिंग. हाँ ऑफकोर्स लॉकअप है तो लॉकअप की तरह ही था लॉकअप. एंड वाइन आई वेंट विद एन एजेंडा कि यू नो जो ज़्यादा उधर ज़्यादा जिसका नाम है, जो जिसकी बातें सुन रहा था मैं लॉकअप में जाने से पहले, वो था फारूकी और बोरा. सो आई हैड मेड माई माइंड कि इफ़ आई वॉन्ट टू, इफ़ आई एम गोइंग टू लॉकअप, आई विल नॉट टारगेट एनीबडी एंड एवरीबडी, आई विल हैव वन और टू टारगेट्स जो मैं चाहूँगा कि लॉकअप से उनको निकालने में मैं इंस्ट्रूमेंटल रहूँ. काफ़ी हद तक मैं था भी. विद इन माई सेकेंड डे आई गॉट बोरा आउट ऑफ द लॉकअप, बट देन उसकी फिर से एंट्री हो गई. एंड इट वॉज यू नो एंड देन लास्ट वेडनेसडे जब मैं टास्क अरीना का टास्क हार गया था, सो मैं समझ गया था मेंटली आई वॉज प्रिपेयर्ड कि अब मैं लॉकअप में ज़्यादा दिन रह नहीं पाऊँगा. बिकॉज एज अ वाइल्ड कार्ड आपको कोई और सपोर्ट करेगा नहीं, आपको आपके टास्क के परफॉर्मेंसेज ही सपोर्ट करेंगे. सो शुरू में मेरा परफॉर्मेंसेज अच्छा था, आई टॉप दी लॉकअप ऑन माई फर्स्ट परफॉर्मेंस. ग्रेजुअली थोड़ा उतना रहा नहीं, पर जब मैं अरीना हार गया सो आई न्यू एंड आई डोंट हैव अ टेंडेंसी कि मैं जाके बोलूँ मुझे बचा लेना, ये करना, वोट देना, मेरे में वो है नहीं. सो अरीना हारने के बाद मैं समझ गया था कि यू नो आई विल बी लॉक्ड आउट. मुनावर फारूक के साथ कैसा रहा था जर्नी, अगर आप कुछ बता सके, बिकॉज उनके बारे में काफी शो एक दिन उनके ही बाजू में घूम रहा है, जैसे वो गेम से खेल रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? सी फारूकी I've spent time with him. He's a great guy, you know. He's got a sense of humor great. But then he is a overrated player in lockup. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसने अपने alliances बहुत strong बना लिए हैं. Like for example, इतने strong बना लिए हैं कि उसके alliances लगते हैं, उसके भक्त लगते हैं मुझे. जैसे कि contestants like Anjali हो गई, Poonam हो गई, Saisha हो गई, Azmar, काफ़ी हद तक अभी Ali भी. You know, they are taking his orders. They are doing as per his instructions. तो जब आपके इतना rock solid alliances हो जाते हैं तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. आपको सिर्फ order देना है कि ये करो, ये सुबह नहीं ये शाम है, तो बोलेंगे हाँ हाँ ये शाम, ऐसा नहीं वैसा करना. तो वो हिसाब से यू नो मैथ अलग होता. अगर मैं वाइल्ड कार्ड बन के नहीं गया होता और मैं भी शुरू से लॉकअप में गया होता तो आई एम क्वाइट श्योर चीज़ें अलग और दूसरी होती. साइशा और अंजलि तो उन दोनों को ही पसंद कर रहे हैं. सो अभी आप देख रहे हो साइशा भी पसंद कर रही है फारूकी को, अंजलि भी कर रही. तो यू नो अब जब आपने इतना अच्छा आपका अलायंस हो गया जो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके आपके आपका आपकी ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हैं, सो ऑफकोर्स इससे अच्छा सेटअप क्या हो सकता है किसी भी कंटेस्टेंट के लिए अंदर. सो जैसे कि मैंने कहा मैं फिफ्थ वीक में गया, अगर मैं पहले वीक में पहले दिन से गया होता तो आई कैन Can assure you, math would have been different. But I'm quite sure this is not the end of the world. Difficulty, sir, आपको बोला वहाँ पे bathroom अलग तरह के थे. अरे मतलब as I told you, lockup की तरह ही था. हाँ थोड़ा actual lockup नहीं था, लेकिन किसी lockup से कम भी नहीं था typical lockup से. मतलब bathroom जो common washroom है उसके bathroom के दरवाजे नहीं थे. आपको पर्दा खींच के नहाना था. चलो as a लड़का तो आदमी चलो मैंने, लेकिन लड़की को भी वैसे नहाना पड़ रहा था. और जो अगल बगल के बाथरूम्स थे यहाँ तक की दीवार थी, यू कैन सी ईच अदर. तो लड़कियों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट रहा होगा क्योंकि उन लोगों को बैठ के नहाना पड़ता होगा. सो आई हैड टू मेक वन थिंग वेरी श्योर, जैसे मैं बाथरूम में आता था एरिया में मैं बोलता था मैं इधर हूँ, सो दैट गर्ल्स हु आर यू नो बेदिंग नेक्स्ट
bathroom, they should know ki there's a guy here. And, पहले दिन पे तो मैं जब मैं पता चला था भले ही कॉमन वॉशरूम था वो पहले दिन पे तो पता चला सम कंटेस्टेंट इज टेकिंग शावर तो मैं बाहर ही खड़ा रह गया मतलब मैं आने को भी कंफर्टेबल नहीं तो मुझे दूसरी कंटेस्टेंट निकाला नहीं ऐसा नहीं तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा दूसरे बाथरूम को यूज़ करो ऐसा कोई रूल नहीं है लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं था पहले दिन पर तो धीरे धीरे फिर आदत पड़ गई कि चलो अभी जैसा देश वैसा भेस तो फिर पायल के बारे में काफी चर्चा काफी लोगों से लड़ती है पायल हाउ यू थिंक अबाउट हर पर्सनालिटी यू नो टू ईच इज हिज ओन मैं पायल के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा वो जो भी करी है आई होप she has to take the responsibility of whatever she is doing or whatever she is saying abhi jo bhi unhone jo bhi kiya hai jo bhi jis pe bhi allegations lagaye hain thoda I don't know I think after the lockup is done she has to face the consequences I'm quite sure a lot of people have filed a legal you know legal charges against her ye to Kangana ne bhi show pe kaha tha ki आप जो कुछ भी आप इसके बारे में कह रही हैं तो यू हैव टू फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज उसके लिए लॉकअप जिम्मेदार नहीं ना पायल इट डिपेंड्स अपॉन पायल हाउ विल शी टेक इट एंड जैसे मैंने कहा टू ईच इज हिज ओन सो अभी आओ और किया है तो झेलो आत्मा की बात करें उन्होंने आपको एक सजेशन दिया कि आप सोते ही रहते तो ये कैसे मतलब हर्षी मतलब पूरे लॉकअप में वो पूरी तरह से एक अच्छा प्लेजेंट एनवायरनमेंट मिलाती है See, Azma is a very sweet and a pretty girl. You know, I'm personally fond of her. अब जो Azma ने मेरे eviction पे जो भी कहा है, you must have noticed, I was just smiling. क्योंकि मैं Azma के level पर जाके उसको मैं क्या समझाऊंगा, you know, कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ. So, Azma, ठीक है, you know, that is okay for me. That is nothing to be, you know. मैंने उसके किसी भी बात को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा बिकॉज फिर मुझे आजमा से बात करने के लिए आजमा की तरह सोचना पड़ेगा फिर इतना टाइम नहीं होता है लॉकअप में कोई है जिनसे आप बाहर आके अपनी रिलेशनशिप फ्रेंड्स बना के रखें या ऑफ कोर्स आई वुड यू नो आई वुड लाइक टू बी वेरी बी अ क्लोज फ्रेंड विद जीशान हु इज अ गाय विद अ वेरी यू नो इज अ गुड सोल और काफी एंग्री भी हो जाते हो हां हां सो बट अच्छा है He's like a wild horse in the show, so which is fantastic. And of course, मेरा ऐसा personally you know मेरा किसी से कोई issue नहीं है, because let us not forget this. What happens in lockup remains in lockup. And उसके बाद सब आके एक दूसरे से normal हो जाते हैं. देखो अंदर setup ही ऐसा होता है कि everybody is behind each other, सबको एक दूसरे को निकालना है. लेकिन बाहर आके I don't have any reservations with anyone कि मैं इससे बात नहीं करूँगा. If anybody comes to me, जैसा मैं lockup में था. मैं से कोई बात करता था तो मैं बात करता था तो मैं ऐसा रियल लाइफ में भी हाँ मैं जल्दी इनिशिएटिव लेता नहीं हूँ किसी से बात करने क्योंकि मेरा तरीका ही नहीं है लेकिन कोई मेरे से बात करेगा तो आई डोंट हैव एनी सच रिजर्वेशन कि नहीं इससे नहीं करूँगा उससे जीशान इज बोथ फिजिकली ऑल्सो ही इज स्ट्रॉन्ग इज परफॉर्मिंग द टास्क And you know his involvement, interaction with others is equally good. I think Zishan is one of the will be one of the favorites. Okay, jailer कैसे थे और जो host थी कंगना रानौत आप कैसे देखे उनको उनकी जो host समझाने का तरीका कंगना का कैसा लगा आपको? Kangana she is you know she is the iron lady of Indian film industry. So she is very strict and cut to cut. फालतू बात नहीं. कट टू कट हाँ ना यस नो कभी कभी उनका मूड होता तो स्माइल कर लेती भाई तो उनके ऊपर जेलर वेरिन करण कुंद्रा देखो कि वेरी फ्रेंडली जब भी आते थे ऐसा लगता था कोई ब्रदरली काइंड ऑफ आदमी आया है भाई की तरह सब तो उससे बातचीत हो जाती थी लेकिन देखो कंगना तो चुपचाप बैठो चुपचाप सवाल का जवाब दो ना ज़्यादा बोलो ना कुछ भी बोलो मतलब वो गड़बड़ हो जाता एक इंसिडेंट हुआ था चेतन जब थे जब चेतन थे तो अनफॉर्चुनेटली जब मैं हाँ जब चेतन थे तो मैं अंदर गया नहीं था चेतन के एग्जिट के बाद में आया हूँ सो वो जो भी हुआ वो बोलते हैं ना वो सेटअप ही ऐसा होता है कि कभी कभी आदमी अपना आपा खो देता है सो ऐसे ही कुछ हुआ रहेगा उनके साथ हंड्रेड परसेंट मैं नए एल्बम भी करूँगा फोटो फिट के साथ एंड आई होप आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डू दैट टू प्ले अ पार्ट एंड
my fans, thank you for supporting and loving me. And I'm sorry if I've disappointed you in lockup, but I will definitely make it up soon. Inshallah, I'll do that soon.